हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि कुशल ड्रैगन से बच के मारियो वर्ल्ड में आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ कुशल के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कुशल मारियो वर्ल्ड में आगे बढ़ता है। उसे एक पाइप दिखता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर कुशल को बाहर निकलने के लिए चार रास्ते दिखते हैं। पहले के पीछे एक मॉन्स्टर है। अगर कुशल ने यहां से निकलने की कोशिश की तो वो कुशल को मार देगा। दूसरे होल के पीछे आग है जो कुशल को जिंदा जला देगी। तीसरे के पीछे एसिड है जो कुशल को पूरा पिघला देगी। चौथे होल के पीछे पॉइजनस गैस है जिससे कुशल कभी पार नहीं कर पाएगा। क्या करेगा कुशल? कैसे बाहर आएगा कुशल? अचानक ऊपर से एक बॉम्ब गिरता है जो 10 सेकेंड में फटने वाला है। अब बस कुशल के पास 10 सेकंड बचे हैं सोचने के लिए कि वो कैसे बाहर आएगा। क्या आप बता सकते हैं कुशल क्या करेगा? कुशल ने मस्त आइडिया सोचा। उसने बॉम्ब को उठा के पहले वाले होल के अंदर फेंक दिया। 10 सेकंड बाद बॉम्ब फटा और मॉन्स्टर मर गया और कुशल पहले वाले होल से बाहर आ गया। कुशल मारियो वर्ल्ड में आगे बढ़ता है। रात होने लगती है। सामने एक ब्रिज आता है। ब्रिज को क्रॉस करने के लिए वहां एक कीड़ा, रेड टॉर्टोइस और एक ग्रीन टॉर्टोइस खड़े हैं। बिना टॉर्च के कोई ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता और एक बार में सिर्फ 2 लोग ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। कुशल को ब्रिज क्रॉस करने के लिए 1 मिनट लगेगा। कीड़े को ब्रिज क्रॉस करने के लिए 2 मिनट लगेगा। रेड टॉर्टोइस को 5 मिनट लगेगा और ग्रीन टॉर्टोइस को 10 मिनट लगेगा। तो आप बता सकते हैं ये चारों ब्रिज क्रॉस कैसे करेंगे? इनके पास बस 17 मिनट है। बिना टॉर्च के कोई ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब अगर 2 लोग जाते हैं तो एक को टॉर्च लेके वापस आना पड़ेगा। समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले कुशल और कीड़ा टॉर्च लेके जाएंगे तो उन्हें 2 मिनट लग जाएंगे। फिर कुशल टॉर्च लेके वापस आ जाएगा तो उसे 1 मिनट लगेगा। टोटल हो गया 3 मिनट्स। फिर रेड और ग्रीन टॉर्टोइस साथ में जाएंगे। उनको 10 मिनट लगेगा क्रॉस करने के लिए, तो टोटल हो गया 13 मिनट। कीड़ा फिर टॉर्च लेके वापस आ जाएगा, 2 मिनट और, टोटल हो गया 15 मिनट। उसके बाद कुशल और कीड़ा साथ में वापस चले जाएंगे, तो 2 मिनट और, टोटल हो गए 17 मिनट। तो 17 मिनट में ब्रिज क्रॉस हो गया। बड़ी समझदारी से चारों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। आखिरी टाइम ब्रिज क्रॉस करते करते कुशल कीड़े से टकरा गया और छोटा हो गया। कुशल वहां से आगे बढ़ने लगा फ्लैग की तरफ। शायद वही कुशल को यहां से बाहर निकाल सकता है। कुशल जब आगे बढ़ा उसके सामने 8 स्टेयर्स आ गए। कुशल दिन में 3 स्टेयर्स चढ़ता और रात में 2 स्टेयर्स नीचे आ जाता। तो आप बताइए कुशल को ऊपर तक चढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। कुशल दिन में 3 स्टेयर्स चढ़ता और रात को 2 स्टेयर्स नीचे आ जाता, मतलब एक दिन में वो एक ही स्टेयर चढ़ पाता। तो 5 दिन में वो 5 स्टेयर्स तो चढ़ लेगा। 6th डे पे जब वो 3 स्टेयर्स चढ़ेगा तो वह ऊपर आ जाएगा। तो टोटल कुशल को 6 दिन लगेंगे ऊपर आने के लिए। कुशल स्टेयर से जोर से जंप लगाता है और फ्लैग की तरफ बढ़ता है। क्या कुशल फ्लैग तक पहुंच पाएगा? क्या कुशल मारियो वर्ल्ड से बाहर आ जाएगा? क्या होगा कुशल के साथ आगे? देखते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और कुशल के बाकी वीडियो के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। और इस पहेली में हमें मदद की है अतीफ भट्टी, दीप्ति मुखर्जी और आयुष शिंदे ने। थैंक यू।